जब तक रावण 100,000 वर्ष जिया, वही काम रामचंद्र जी नहीं कर सके और राज्याभिषेक से अलग आए और वनवास अनुभव किए, वही कार्य उनके साथ हुआ। उनकी ग्रह कुंडली भी आप देख सकते हैं, कृष्ण की ग्रह कुंडली भी देख सकते हैं, रावण की ग्रह कुंडली भी देख सकते हैं। रावण जितने दिन भी रहा सोने की लंका में रहा, सोने की थाली में गया, वही खुद नहीं तो उसके सेवक भी थे, तो वो भी सोने या चांदी की थाली में खाते थे और खाई हुई थाली पत्थर के समान फेंकते थे समुद्र में। जब रावण चले गया और धर्मराज का पांडवों का राज्य आया तो कहते हैं कि धर्मराज पुणे कुरुक्षेत्र में सभी राज्यों को मार देने के बाद धर्मराज के पास पैसा नहीं था और सबने कहा कि राजसूय यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है, तो बोले धर्मराज मेरे पास पैसा नहीं है। कृष्ण भगवान बोले एक रहस्य इधर आ, क्या तू लंका के पास जा समुद्र में और किसी तेरे सेवकों को भेज, वहां झूठे पत्तल के रूप में रावण ने सोने की थालियां और चांदी की थालियां भेजा, उठा के ला उसको बेच के अपन फेंकने करेंगे। तो उस समय धर्मराज वहां से भेजकर उन थालियों को लाकर अपनी साधना किया था, इतना ऐश्वर्यवान था रावण। आज हम अपनी पत्तल थाली नहीं फेंक सकते, स्टील की थाली फेंकना है तो 4 बार विचार कर सकते हैं, विचार करते हैं, पत्तल फेंकने की तो दूर की बात है। वो सोने चांदी की थालियां फेंक देता था अपने सैनिकों के साथ, ऐसा ईश्वर्यवान था। उसने नवग्रहों को ऐसे बांध के रखा था कि उसके अनुकूल स्थिति में रहे, तो वो कौन सी साधना थी रावण ने उस नवग्रहों को अनुकूल किया था? उसका भाई था कुबेर, कुबेर ने भी कहा कि मेरा भाई धनवान है तो मैं भी धनवान बन के रहना चाहिए। पहले तो इस लंका नगरी को कुबेर ने ही बांधा था, लेकिन रावण ने कहा ये कुबेर लंगड़ा है, इसको क्या हो सकता है, कुछ नहीं, और कुबेर की लंका नगरी को रावण ले लिया और कुबेर को हटा दिया। फिर कुबेर ने नई नगरी बसाई, कुबेर भी तो धनवान था, कुबेर भी वैश्रवण का पुत्र ही था, रावण के भाई का बेटा था, यक्ष था, तो वो भी श्रेष्ठ था कि साथ जिए। तो इनमें ऐसी कौन सी साधना शिव जी ने बताई थी जो इतने ऐश्वर्यवान और जी कर रहे रामचंद्र जी होकर भी नहीं जी सके? कृष्ण भगवान को कौन सी साधना ऐसी दी थी? कृष्ण अपने गोकुल में अपने गोवों के साथ आनंद थे, उनके ऊपर क्या कोई ग्रह का प्रभाव नहीं था? गोपिकाओं के साथ रहकर भी कभी बदनाम नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, क्यों उनके साथ रहा और क्या अनुकूलता उनके साथ थी? इस साधना को शिव जी ने साधना को कहा है कि जहां नवग्रहों के वृक्ष हो ना, जहां नवग्रहों के बीज हो, जहां नवग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, अगर साधक उस नवग्रहों के वृक्ष में हर नवग्रहों की झाड़ को फूल अक्षत के साथ पूजा करते हुए नवग्रहों के पेड़ों के अंदर बैठकर एक विशेष नवग्रह का मंत्र है उसे कर लेता है, तो नवग्रह उसके अनुकूल होते हैं और उसके प्रतिकूल काम नहीं करते। यह काम नहीं करने वाली साधना जो है, आज दशमी के उपलक्ष्य में हम नवग्रहों की एक जगह होने के कारण, सूर्य एक जगह होने के कारण, आज सूर्य का स्थान श्रेष्ठ होने के कारण प्रतापी सूर्य, कल कामदा एकादशी, कामदा एकादशी की उत्पत्ति कैसी भी, फिर उसकी एक कहानी अलग है, किसने कामदा एकादशी की उत्पत्ति की और दशमी के दिन उसका क्या कार्य हुआ था, इस कामदा एकादशी करने से कितने लोगों ने श्रेष्ठता और धनवानता प्राप्त की और भगवान की कृपा प्राप्त की, जिसने भगवान की कृपा प्राप्त की उसके ऊपर नवग्रहों की दृष्टि क्यों नहीं होती या होती है? भगवान भी आए तो उनके ऊपर नवग्रहों की दृष्टि कुदृष्टि होने के कारण शिवजी भी भाग गए, बृहस्पति भी भागे, शायद वो ग्रह होने के देवताओं के गुरु होने के बाद भी नवग्रह ने उनको भी नहीं छोड़ा, तो हमको कहां से छोड़ेंगे? तो हम इनको अनुकूल बनाने के लिए कौन सी साधना करना है? तो नवग्रहों के वृक्ष जहां हो वहां उस नवग्रहों के वृक्ष में बैठकर केवल केवल इस दशमी के दिन हम एक नवग्रह यंत्र जिसमें नौ रंग के रेखाएं हो, ऐसी एक नवग्रह शालिग्राम को लेकर हम बैठकर उस नवग्रहों की माला का जब नवग्रहों के वृक्ष में बैठकर 3 प्रदक्षिणा करते हैं, कहते हैं कि वो जब तक शालिग्राम तुम्हारे घर में हो नवग्रह किसी प्रकार का आपको आहित नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मुझे आपको इसके साथ कहना पड़ता है, मेरे पास नवग्रह शालिग्राम केवल 40 है, 40 के सिवा ज़्यादा नहीं है। अब विचार आप करना है कि 40 किसको नवग्रह चाहिए नहीं चाहिए, मैं खाना खाने के बाद देता हूँ, पहले गुरु जी की जन्मदेश्वर केक कट करूँगा, बाद में मिले नहीं, केवल 40 ही नवग्रह शालिग्राम मेरे पास है, उसके ऊपर नवग्रहों के पेड़ों को मैंने लगाया है। जिनको अनुकूलता नहीं है वो लोग नवग्रहों की साधना कर सकते हैं, लेकिन इन नवग्रहों की साधना केक कट के आप भोजन करने के बाद ही आपको प्रदान करूँगा, पहले गुरु जन्मदिवस मनाऊँगा, केक सामने लाने। आपने तेलुगु में नारायणपेट से हमारे गौड़ साहब इससे पहले गुरु भक्ति गीत लिखे थे, उसी तरह उन्होंने एक नया कैसेट तैयार किया है और नया कैसेट आया है, तो गौड़ साहब और उनके साथी उस कैसेट का आज करना चाहते हैं, मैं आपके सामने उस कैसेट का विमोचन कर रहा हूं।
गुरु भक्ति के गीत हमारे गौड़ साहब ने महबूब नगर से लिखे हुए हैं और ये आज इसका विमोचन कर रहा हूँ। आपको थोड़ी देर के लिए कैसेट जरूर यहाँ आपको बजा के सुनाए जाएंगे। एक कैसेट में हमारे महिपाल के पास भेज रहा हूँ, एक कैसेट आप सुनेंगे। उससे पहले हम गुरु जी के जन्मदिन का केक कट करेंगे और केक लेके आएंगे। गुरु जी की अपने जीवन की क्रिया है, उसको फणिहारम वल्लभाचार्य जी ने तेलुगु में अनुवाद किया था और वो गुरु पूर्णिमा में आए थे। आज उन्हीं की उस कृति को पुस्तक के रूप में हम लिखकर इसका संकलन विमोचन कर रहे हैं। आप सभी के सामने उस पुस्तक विमोचन को आपके सामने बताएंगे। ये नाथवरमहा पुस्तक तेलुगु साधकों के लिए जो गुरु जी के जीवन का परिचय प्रदान करते हैं, ऐसा ही इस पुस्तक का हम आपके सामने विमोचन कर रहे हैं। बहुत दिनों का इंतजार था इस पुस्तक के लिए, उस पुस्तक को आज तेलुगु में वितरण कर रहे हैं। ना साधारण नाम का गुरुजी की गुरुजी का परिचय पुस्तक है, आपको स्टॉल में मिल जाएगा। अभी गुरु जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केक कट कर रहे हैं। गुरु जन्मदिवस का अच्छा सा एक बर्थडे सॉन्ग बोल दो, सभी लोग खड़े रहे, तालियां बजाते हुए गुरुजी का जन्मदिवस मनाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you.
जी का जन्मदिन मनाए हैं, हम सब लोग गुरु जी के जन्मदिन का मीठा खाएंगे। वैसे धूप का वक्त है, पानी भी बहुत पीना चाहिए। आप सभी को खाना खाने के लिए समय दे रहा हूँ। 3:30 बजे यहाँ फिर आऊँगा। मैंने जैसा कहा, नवग्रह शालिग्राम के बारे में आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन नवग्रह शालिग्राम होता है और उसके नवग्रहों का एक विशेष मंत्र होता है जो अपने को नवग्रहों की अवकृपा अपने ऊपर नहीं होने देता। उसको या तो 9 बॉडियों के पानी से नहलाना पड़ता है, या 9 तालाब के पानियों से, या 9 नदियों के पानी से नहलाकर उस शालिग्राम को समुद्र में विसर्जन करने से हमारे ऊपर ग्रहों की दृष्टि, जैसे शनि महादशा चल रही है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, राजा महाराज लोग भी रोड पर आ जाते हैं। राहु की कुदृष्टि हो जाती है तो हमारे ऊपर गुंडों का प्रहार होता है। केतु की दृष्टि हो जाए तो अपने किसी भी जमीन पर, इवन अपने किसी भी कार्य पर भी कब्जा हो जाता है। और मंगल हो तो बैठे बैठे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और मंगल ग्रह जिसके घर में नहीं होता, साधारणतः उस घर में पागल पर एक तो आदमी पागल जरूर होता है मंगल ग्रह की कुदृष्टि होने पर। तो इस नवग्रह शालिग्राम को नवग्रहों के झाड़ों के बीच में बैठकर जो आदमी नवग्रह की साधना एक दिन में आज दशमी के दिन करता है और उस नवग्रह शालिग्राम को या तो 9 कुओं के पानी से नहलाता है, या तो 9 तालाब के पानी से, या तो 9 नदी के पानी से नहलाने के बाद उस शालिग्राम को 9 दिन घर में रखकर किसी समुद्र में विसर्जित करता है, तो उसको किसी प्रकार के नवग्रह की पीड़ा नहीं होती। साधारणतः हम देखते हैं राहु महादशा, शनि महादशा और केतु महादशा, ये हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं। अगर ये नीच की दृष्टि से हमारे जीवन में हो, कितने कितने बड़े बड़े देवताओं को भी वो रोड पे लाए। अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो तो बिगड़ने के लिए 2 मिनट नहीं लगता, जब कभी ऐसा है। अच्छा राज्य में राज्य करने वाला हो तो कब उसका राज्य छूटेगा नहीं बोल सकते। अच्छा पैसे वाला हो कब दरिद्र बन जाएगा नहीं बोल सकते। राजा को रंक बनाने की क्रिया इन नवग्रहों की पीड़ा से होती है। और ये होने के कारण हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं कि जो लोग हमें आशा बनाकर डुबा देते हैं। ऐसा बना कर डुबा देंगे, तुम्हारे को करोड़पति बनाऊंगा, तुम्हारे पास क्या क्या है मुझे दे दो। और हम गलती से ऐसा दिमाग केवल मंगल की ग्रह के प्रभाव के कारण होता है, और उसको जब भी दे देते हैं अपना सब कुछ उसको दे देते हैं, बाद में हम मुंह जोड़ते हैं कि वो कौन है अपने को पता नहीं, वो चला जाता है और हम सभी तरीके से डूबे लूटे जाते हैं। ये केवल मंगल ग्रह की ओर से होता है। राहु जब भी आता है तो आपके ऊपर दुश्मनों को लेके ही आता है, और दुश्मनों के साथ आपके हर बार आप घर से बाहर ना निकले इतनी कठिनाई हो जाती है। और केतु के वजह से धर्म परिवर्तन होना, अपने पत्नी पत्नी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ाना, बच्चे अपने साथ ना देना, शनि महादशा की तो अपने रोजगार को अपने कमाई को रोड पे लाने की है। तो यहाँ अपने आश्रम में नवग्रहों के पेड़ लगाए हुए हैं मैं, लेकिन केवल यही एक कहता हूँ, 3:30 बजे आपको नवग्रह शालिग्राम दिए जाएंगे और मेरे पास शायद 40 के सिवा ज़्यादा नहीं निकलेंगे। 3:30 बजे आप नवग्रह शालिग्राम लेकर यहाँ आए, मैं आपको उस नवग्रह का एक ही मंत्र देता हूँ और अपने पास नवग्रह के पेड़ है उसमें बैठकर आप साधना करेंगे तो आपके नवग्रह पीड़ाओं के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। वो शालिग्राम अगर आपके पास है तो आपके ऊपर आने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी, मंगल के ठीक नहीं रहने से, हमारे मंगल के ठीक नहीं रहने से ब्लड प्रेशर होना या रक्त से संबंधित रोग होना, ये ज़्यादा कहा गया है। राहु का ठीक नहीं होने से अपने ऊपर शुगर की पीड़ा होना या शुगर का कार्य होना, ये ज़्यादा उस बीमारी का कारण बनाते हैं। और केतु के ठीक नहीं होने से कैंसर का होना, ये रोग ऐसे कहते हैं केतु महादशा चल रही हो। तो ये जो ऐसे कारक ग्रह है कि इससे हम बाहर आ ही नहीं सकते, ये देवताओं को भी उन्होंने सताया है, हम तो किस खेत की मूली। तो इस प्रकार 3:30 बजे आपको नवग्रह शालिग्राम मिलेंगे। इस काल में जो शालिग्राम लाके आएगा उनको साधना करवाऊंगा। अभी आपको भोजन के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं 3:30 बजे यहाँ फिर आऊंगा साधना के लिए। आप सब लोग गुरु जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1-2 मिनट तक जोरदार से तालियां बनाएंगे और गुरु जी को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और खाना खाने को जाएंगे। गुरुजी भी जहाँ भी हो हमारे ताजिया की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, तो प्रभु
ऐसे ही गणराज गुरुकर हम पर आशीर्वाद का आशीर्वाद की फूल की वर्षा करवाए। हम चाहते हैं कि आपका जन्मदिन मुबारक हो और हमारे लिए आशीर्वाद युक्त हो। परंतु ये सतगुरु जी इस तालियों को एक बार सुने, ध्वनि को सुने और हमारे को आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो बोलते सतगुरु भगवान की, परम पूज्य माता जी की, गुरुदेव की, सिद्धाश्रम की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, आप सब लोग भोजन करके 3:30 बजे यहाँ आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। आशीर्वाद।